हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाजियाबाद बाजीगर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी दोस्तों आप कबूतर का इलाज अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कबूतर के लकवे की बीमारी को ठीक करने का जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका है। दोस्तों, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, तभी दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी भाई अपने कबूतर को एकदम ठीक करना चाहता है, वो वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके जिस भी कबूतर को लकवा हुआ है, उस कबूतर को आपको अलग रखना है। अब दोस्तों, अलग क्यों रखना है? ताकि आपका कोई दूसरा कबूतर लकवे में ना आ जाए। और दोस्तों, अब उसे खिलाना क्या है, दो चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको। एक तो दोस्तों दाना बताऊंगा, क्या दाना खिलाना है उसे, और एक मेडिसिन बताऊंगा और कब देनी है, कैसे देनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो दाना खिलाना है, आपको खिलाना है दोस्तों भीगा हुआ चना। अगर दोस्तों बड़ा कबूतर है आपका, जवान कबूतर है, तो आपको सुबह 20 चने देने हैं, शाम को 20 चने देने हैं। और भी दोस्तों, दाना भी खिलाना है, ऐसी बात नहीं है कि दाना नहीं खिलाना, दाना भी खिलाना, पेट भरना है दोस्तों उस कबूतर का। और अगर बच्चा है, पट्ठा है दोस्तों, तो आपको 15 चने सुबह खिलाने हैं, 15 चने शाम को खिलाने हैं, दवाई देने से पहले। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं तो कबूतर के लकवे के बीमारी के बारे में बताने वाला था, तो ये चने का क्या मैटर है इस चीज़ में? तो दोस्तों, चना इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि चने में दोस्तों प्रोटीन होता है, बहुत ताकत होती है चने में। आपने दोस्तों देखा होगा, जब हम कबूतर से ब्रीडिंग करवाते हैं, बच्चे पलवाते हैं, तो उसका जो दाना होता है मिक्स, उसमें दोस्तों चना ऐड करते हैं हम। तो चना क्यों ऐड करते हैं? ताकि दोस्तों बच्चे हेल्दी रहे। तो चना दोस्तों क्या होगा, चना खिलाने से कबूतर को दोस्तों, कबूतर जब स्ट्रांग रहेगा ना, तो उस पर दवाई भी असर ढंग से करेगी, और दोस्तों दवाई बीमारी से लड़ने में भी उसे ताकत मिलेगी। तो दोस्तों चना ज़रूर खिलाना है, चने का दोस्तों बहुत असर होगा इस चीज़ में, इस बीमारी में। और दोस्तों, दवाई आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ये देखिए स्क्रीन पर शो हो रही होगी फ़ोटो, ये दवाई लानी है आपको, न्यूरोबिन फोर्ट, ये गोली ले आनी है दोस्तों आपको, ये कैल्शियम की गोली होती है। अब दोस्तों, इस गोली को देना कैसे है? ये गोली दोस्तों आपको सुबह शाम दो टाइम देनी है। और दोस्तों, इसको जो देने का तरीका है, आपको कबूतर का पेट भर के, दोस्तों चना बताया मैंने, चना तो दोस्तों ज़रूर खिलाना है, दोस्तों चने का ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस बीमारी में, चना ज़रूर देना है। और दोस्तों, इस दवाई को देना कैसे है? अगर बड़ा कबूतर है तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, छोटा कबूतर है तो एक गोली, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को, पट्ठा है तो। अब दोस्तों, इस गोली को देने का जो तरीका है, आपको दोस्तों सुबह, जैसे सुबह गोली दी आपने 8 बजे, तो शाम को भाई 7 बजे देना पड़ेगा। कम से कम दोस्तों 10 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, गैप होना चाहिए इस गोली को देते समय। तो दोस्तों, गैप से क्या होता है, गैप देने से सुबह जो गोली दोगे दोस्तों, उसका असर पूरे दिन रहेगा, और रात को जो दोगे उसका असर पूरी रात रहेगा। तो दोस्तों, इससे कबूतर को बहुत हेल्प मिलेगी टाइम पे दवाई देने से। तो दोस्तों, आप कबूतर का इलाज अच्छे से करें, टाइम पे दवाई दे और चना ज़रूर खिलाएं, तभी दोस्तों आपका कबूतर जल्दी ठीक होगा। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर देना लाइक, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पे, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।